सबसे पहले आज की चर्चा में जवाब दो में मिलवाना चाहते हैं जफर सरीशवाला साहब से। जफर साहब को आप सब पहचानते हैं, पॉलिटिक्स के मामले हों, धार्मिक मामले हों, सब पर अपनी राय वो रखते हैं और देश दुनिया में तमाम किस्म के लोगों से और उद्योगपतियों से भी आपकी अच्छी दोस्ती और मुलाकात भी है। तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि क्या आप ये यूसुफ अली साहब को भी जानते हैं, तो उन्होंने कहा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो हमने कहा कि पहले ये जान लें कि यूसुफ अली साहब जो एमए यूसुफ अली साहब हैं अबू धाबी में रहते हैं, 600 करोड़ का इनका बिजनेस है, इनकी शख्सियत क्या है जिन्होंने यूपी के लखनऊ में आकर ये मॉल खोला है। स्वागत है आपका सरीशवाला साहब, जरा बताइएगा हमको आप यूसुफ अली साहब के बारे में। देखिए यूसुफ अली साहब जो हैं ये बहुत ही जबरदस्त सेल्फ मेड आदमी है, यानी उनका जो आपने बताया कि खाली जो लूलू जो ग्रुप जो ये लूलू मॉल का जो बिजनेस है उनका सुपर मार्केट का हाइपर मार्केट का, उसका सेल्स टर्नओवर 8 बिलियन डॉलर्स का है, यानी ऑलमोस्ट यानी यूं समझ लीजिए कि 80-90 हजार करोड़ रुपए का तो उनका इसका सेल है। ये यूसुफ लूलू साहब से हमारा इस तरह से ताल्लुक है कि ये अपनी बहुत कॉलेज के शुरू के जमाने में ये सबसे पहले अहमदाबाद आए थे और अहमदाबाद में इन्होंने जो उस जमाने में ये आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान भर में ये केरला के लोग जो है अपनी चाय की दुकान एक करते थे, चाय का गल्ला जो बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इनके कोई चचा वचा की थी चाय की दुकान थी, उसमें ये आए और वहां से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। उसके बाद कुछ 2-3 साल के बाद ये अबू धाबी गए जी और नौकरी करते थे और उसमें से धीमे धीमे ये आज 30-35 साल के अंदर इतना बड़ा मकाम हासिल किया है इन्होंने। तो ये वाकई यानी अब आप देखिए कि इनके मॉल की खसूसियत क्या है, यानी वर्ल्ड क्लास है। मैं इनके दुबई अबू धाबी इवन सऊदी अरेबिया में इनके मॉल में गया हूं और इन्होंने केरला में सबसे पहले मॉल शुरू किया सौरभ, और आप नहीं मानेंगे कि इन्होंने जरा भी 19-20 नहीं किया, यानी जो दुनिया भर में इनके मॉल का जो स्टैंडर्ड है और जो लेवल है वही उन्होंने बरकरार रखा हिंदुस्तान में। और जो मुझे अभी मैं लखनऊ गया नहीं हूं लेकिन लखनऊ के मॉल के बारे में जो लोगों ने मुझे खबर दी, यूं कहा कि बिल्कुल ऐसा लगता है अगर आपको एयर ड्रॉप किया जावे तो आप 1 सेकंड के लिए भी शनाख्त नहीं कर सकते कि आप लखनऊ में हैं। यानी 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, ये उनकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और आप सोच सकते हैं जो आपने खुद कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब खुद और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद उसको इनॉग्रेट करने आए, तो आप समझ सकते हैं कि इससे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज लखनऊ और यूपी में खुलेंगे। बिल्कुल सही सरीशवाला साहब, अब मैं जरा जो इसका कंट्रोवर्सी वाला एंगल है उस पर आना चाहता हूं। मुझे बताइए, आपने दुनिया भर में आपने कहा कि 3-4 जगहों पर तो आपने इनके मॉल देखे हुए हैं लूलू ग्रुप के मॉल्स, क्या वहां पर प्रार्थना के लिए नमाज पढ़ने के लिए कोई खुली छूट होती है? आपने और जगहों पर ऐसा देखा है कि लोग नमाज पढ़ते हुए दिख जाते हैं? हम देखिए यहां दो बातें मैं कहूंगा, एक तो ये जो नमाज पढ़ रहे थे 5-7 लोग एक कोने में कोई मतलब इस पर, और फिर ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है यानी ये कोई पब्लिक सड़क तो नहीं थी, इतनी बड़ी इसका हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दूसरा उसके बाद इन्होंने कहा कि जफर साहब प्राइवेट प्रॉपर्टी लूलू ग्रुप की होगी लेकिन है तो पब्लिक प्लेस ना मॉल। हाँ मैं आ रहा हूं उस बात पर, और उसके बाद इन्होंने सीधा बैन करो यानी बॉयकॉट करो, ये तो एक स्टैंडर्ड है मुसलमान का, ये बॉयकॉट करो वो बॉयकॉट करो ये बॉयकॉट करो, उसका जन्नाटेदार जवाब जो है लखनऊ की पब्लिक ने दिया। बल्कि कल का मैंने जब मंगवाया वहां से कि भाई क्या है फुटफॉल और सेल, तो बुध के दिन यानी वेनेसडे को जो फुटफॉल था और जो सेल था उसके मुकाबले में कल डबल हुआ, यानी वो इनकी जो बॉयकॉट की जो ऐलान था उसको लखनऊ के लोगों ने नकार दिया। अच्छा ज्यादातर यानी 80% से ज्यादा हिंदू आते हैं उसमें, तो एक बात नहीं यहां तो ये भी मैं एक अभी 80% वाली बात से ज्यादा इल्जाम तो कुछ लोग ये भी लगा रहे हैं, अभी इस पर मॉल प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी बात आई नहीं है, लेकिन जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को भर्ती में प्रक्रिया वो प्रेफरेंस दी गई, 80% मुस्लिम जो है स्टाफ इसमें जो है वो लगाया गया है, ऐसी कोई सोच है क्या इस ग्रुप की? नहीं देखिए ये यहां छोड़िए ना लखनऊ, इनके किसी भी वहां चले जाइए इनके पास बड़ी तादाद में हिंदू काम करते हैं भाई, यानी इनका जो दुबई में और अबू धाबी में जो हेडक्वार्टर है इनकी टॉप पोजीशन पर
नॉन मुस्लिम है। तो ये लुलू साहब मुसलमान हैं, लेकिन वो कोई ये नहीं है कि कोई मुसलमानों को प्रेफरेंस देने वाले हैं, बिल्कुल ये बात गलत है। वो प्रोफेशनल आदमी है भाई, इस जगह पर मुझे ये आदमी चाहिए, ये सलाहियत का आदमी चाहिए, अब वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, हम भी जैसे मैं हूं सौरव, मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरी कंपनी के अंदर कभी भी 20% से ज्यादा मुसलमान थे ही नहीं भाई। मुझे अगर इंजीनियर चाहिए तो मैं क्या ढूंढूंगा कि मुसलमान लाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई बिजनेसमैन इस तरह से अपने कारोबार को नहीं चलाता। रही बात वो नमाज पढ़ने की, जी देखिए जहां भी इनके मॉल है या जहां भी दुनिया भर में, तो हर जगह पर एक प्रेयर रूम होता है, और मैं खुद नमाजी हूं, यह इसलिए कि मुझ पर कोई टोपी इसलिए नहीं डाल सकता कि मेरी सौरव जिंदगी में कभी नमाज मिस नहीं हुई है, कभी भी। मैं भी कोशिश करता हूं कि या तो कोई कोने में जाऊं या जहां पर प्रेयर रूम हो डेजिग्नेटेड, वहीं मैं नमाज पढ़ता हूं। लेकिन यहां तो प्रेयर रूम नहीं था जफर साहब, यहां प्रेयर रूम कोई इंक्लोजर नहीं है ना, वो दो तो एक कोने में बैठकर पढ़ रहे हैं, ये बात ठीक है कि वो कोने में, लेकिन कोई इंक्लोजर नहीं है, कोई प्रेयर रूम नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो मैं मेरी दरखास्त ये है जो नमाज पढ़ने वालों को कि भाई क्या जरूरत है, ठीक है कोई डिजिग्नेटेड रूम होगा वहां चले जाते या उनसे इजाजत मांगते कि भाई हमको कोई जगह दे दो। वैसे इनके हर मॉल में दुनिया में जहां जहां इनके मॉल है, हर मॉल में प्रेयर रूम की जगह है। और मैं एक और बात कहूं कि वो प्रेयर रूम सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, उस प्रेयर रूम में हिंदू अपनी इबादत कर सकता है, क्रिश्चियन अपनी इबादत कर सकता है, सिख अपनी इबादत कर सकता है, भाई इबादत की जगह है, जैसा हमारे एयरपोर्टों पर और बहुत सारी जगहों पर होती है। तो वो हो सकता है कि नया नया बना है, तो हो सकता है कि वो नहीं होगा, लेकिन नहीं, इस पे सवाल जफर साहब ये उठाया जा रहा है, और ये हिंदूवादी संगठन जो है उठा रहे हैं इस बात को कि इन्होंने नमाज पढ़ी, आपने भी कहा सबका अधिकार है, फिर अगर यहाँ प्रेयर रूम नहीं भी, उनको किसी ने रोका तो नहीं नमाज पढ़ने से, तो फिर कल को कोई हिंदू जाकर के वहां बैठ जाएगा एक कोने में और हनुमान चालीसा का कीर्तन करने लगेगा या सुंदरकांड का पाठ करने लगेगा या कुछ और पाठ करने लगेगा, तो उसको भी नहीं टोका जाएगा ना, फिर उसको भी जायज मानना चाहिए। देखिए वो तो उनके ही लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनाई ना कि भाई हाँ यहाँ पर कोई पब्लिक जो है इस जगह पे कोई को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं दुबई के एयरपोर्ट पे गया हूँ, मैं टर्की के एयरपोर्ट से गुजरा हूँ कई मरतबा, सऊदी अरब के एयरपोर्ट से गुजरा हूँ, इस्लामी मुल्कों के अक्सर मुल्कों के एयरपोर्ट पे भी गुजरा हूँ, उनके मॉल में भी गुजरा हूँ, वहां कहीं पर भी आप कहीं पर नमाज नहीं पढ़ सकते। दुबई के किसी भी मॉल में आप वही नमाज पढ़ सकते हो जहां उन्होंने डेजिग्नेटेड एरिया बनाया है, ठीक है। तो वो बात तो बिल्कुल सही है, मैं अगर होता तो मैं वहां कहीं पर भी नमाज नहीं पढ़ता, मैं या तो वो उनकी डेजिग्नेटेड जगह पे जाके पढ़ता या मैं चला जाता बाहर। लेकिन एक और बात मुझे कहनी है कि ये इस किस्म के जो संगठन फौरन के बैन करो लुलू को बैन करो, ये बहुत ही घटिया सोच है, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी, ठीक, ये सौरव इतनी बड़ी चीज नहीं थी। और फिर उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई हमने बोर्ड भी लगा दिया है कि यहाँ पर कोई भी मजहबी कोई भी इबादत कहीं पर भी आप नहीं कर सकते, ठीक सर। तो ये तो है, हर बार बैन कर दो, बॉयकॉट करो, इससे लोग फिर आपके आज लखनऊ में आके इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो शुक्र अदा करना चाहिए। और जो बात आपने छेड़ी थी ये बिल्कुल गलत है कि 80% मुसलमानों को रखा है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक भाई। मुझे अगर इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो मैं बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन ढूंढूंगा, अगर मुझे अकाउंटेंट चाहिए तो मैं बेहतरीन अकाउंटेंट ढूंढूंगा, ये कोई मस्जिद नहीं है। चले ठीक जफर साहब, आपने अपने एक्सपीरियंस से और खासकर लुलू ग्रुप के बारे में और इनके जो दुनिया भर में मॉल्स हैं वहाँ जो आपने देखा है रिवाज, वो सब आपने हमारे साथ शेयर किया, अपना नजरिया शेयर किया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।